अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मेरे पास एक दांग भी ना होता कि उससे मैं रोटियां खरीद कर खाऊं और अम्मी और घर के उन लोगों को खिलाऊं जो मेरे जिम्मे थे। आप हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली तशरीफ लाए तो आजमाइश का वह दौर शुरू हुआ जो उस राह के राहियों को, जो आगे चलकर सबकी नजरों का तारा बनते हैं, आजमाइश के तौर पर पेश आती है। यह वह वक्त था कि पूरे हिंदुस्तान की दौलत और जर्व जवाहर दिल्ली की तरफ कर आ रहे थे और सस्ताई का यह हाल था कि एक जीतल में दो सेरे मैदे की पकी पकाई रोटियां मिल जाती थीं और दो जीतल में एक मन खरबूजा आ जाता था। लेकिन ख्वाजा साहब की तंगी का यह हाल था कि खरबूजे की इस बहुतायत के बावजूद पूरी पूरी फसल गुजर जाती और खरबूजा छखने को न मिलता। लेकिन आप हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने इस हाल में खुश रहते और आरजू करता कि जितनी फसल बाकी है वह भी गुजर जाए और मैं इसी हाल में रहूं। उसी जमाने में जबकि आप शहर पनाह के इस बुर्ज में ठहरे हुए थे जो मंदा दरवाजा से मिला हुआ है, कई दिन गुजर गए और खाने को कोई चीज न मिली। एक तालिब इल्म को इसका इल्म था कि कई दिन से हजरत को फांखा है, उसने कुछ पड़ोसियों को बताया भी। वह खाना तैयार करके ले आए। खाने के लिए हाथ धुलाते वक्त खाना लाने वालों में से एक बोला, खुदा तालिब इल्म का भला करे कि उसने हमें खबर दी। ख्वाजा ने हाथ रोक लिए और फरमाया, क्या खबर थी? उसने कहा कि फलां तालिब इल्म ने हमें बतलाया कि आप कई दिन से फांके से हैं, चुनांचे हम यह खाना तैयार करा कर ले आए। आपने फरमाया, माफ रखो, उन लोगों कितनी ही की कोशिश थी पर आपने खाना कबूल ना किया। जब आपके पीर व मुर्शीद हजरत फरीद गंज शकर के दुआ से आपके खानकाह पर एक अनजान फकीर आकर आपके फाके की हांडी तोड़ दी, अल्लाह के रहमो करम से आज तक कभी फाका ना हुआ। आज भी आपके खानकाह पर हजारों हजार टन लंगर बनता है और लोगों में तकसीम होता है। ये बोलते बोलते आप अपने अम्मी के यादों में खो गए। जब खादिमों ने आपसे पूछा तो आप फरमाने लगे और अपनी अम्मी के इंतकाल का जिक्र करते हुए रोने लगे और इतना रोइए कि जो कुछ फरमाते थे पूरे तौर पर सुनने में न पड़ता था। हजरत ख्वाजा फरमाते हैं कि एक दिन नया चांद देखकर हाजिर हुए और कदम बोसी की और नए चांद की मुबारकबाद पहले की तरह पेश की। अम्मी ने फरमाया कि अगले महीने के चांद के मौके पर किसकी कदम बोसी करोगे? मैं समझ गया कि इंतकाल का वक्त करीब है। मेरा मन भर आया, मैं रोने लगा। मैंने कहा, अम्मी, मुझ गरीब व बेचारे को आप किसके सुपुर्द करती हैं? फरमाया, इसका कल जवाब दूंगी। मैंने अपने दिल में कहा कि इस वक्त क्यों नहीं जवाब देती। यह भी फरमाया कि जाओ आज रात शेख नजीबुद्दीन के यहां रहो। उनके कहने के मुताबिक मैं वहां गया। रात के आखिरी हिस्से में नौकरानी दौड़ती हुई आई कि अम्मी आपको बुला रहे हैं। मैं डरा और मैंने पूछा, खैरियत है? कहां? हां। जब मैं हाजिर हुआ तो फरमाया कि कल तुमने मुझसे एक बात पूछी थी, मैंने उसका जवाब देने का वायदा किया था, अब मैं इसका जवाब देती हूं, ध्यान से सुनो। फरमाया, तुम्हारा दायां हाथ कौन सा है? मैंने हाथ सामने कर दिया। मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और फरमाया, ए खुदा, इसको तेरे सुपुर्द करती हूं। यह कहा और रूह जिस्म से जुदा हो गए। मैंने इस पर खुदा का बहुत शुक्र किया और अपने दिल में कहा कि अगर अम्मी सोने और मोतियों से भरा हुआ एक घर छोड़कर जाती तो मुझे इतनी खुशी न। हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने खानकाह में अपने चाहने वालों की फरियाद सुन रहे थे। तभी एक अकीदतमंद अपने गुलाम के साथ हाजिर खिदमत हुआ। उस गुलाम का नाम मलिक था। अकीदतमंद ने शुक्राना के तौर पर हजरत महबूब इलाही के सामने अपने गुलाम को आजाद कर दिया। आजाद होते ही गुलाम अपनी जगह से उठा और हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों में बैठकर रोने लगा। दुनिया की गुलामी से आजाद होकर खुश हूं, मगर अब एक और गुलामी की तमन्ना है। इस पर हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, यहां गुलामी का नहीं सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता है। यह कहकर उस गुलाम मालिक को बैद के शरफ से सरफराज किया। फिर हाजरी ने मजलिस को मुखातिब करके फरमाया, इस रास्ते में न कोई आका है न कोई गुलाम, यह मोहब्बत की दुनिया है।
इस दुनिया में जो भी नेकनीयती के साथ दाखिल हुआ उसका काम बन गया और वह कामयाब ठहरा। इसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया ने यह वाकया बयान करते हुए फरमाया, गजनी में एक बुजुर्ग थे जीरत नामी। उनका एक गुलाम था जो साहिब सलाहियत था। जब उन बुजुर्ग के इंतकाल का वक्त आया तो तमाम मुरीद जमा हुए और अर्ज करने लगे, आपकी सज्जादा नशीन का एहसास किसे हासिल होगा? बुजुर्ग ने अपने गुलाम की तरफ देखा, मेरे बाद जीरत मेरा खलीफा होगा। उन बुजुर्ग के चार लड़के थे जो फितरत में निहायत चालाक थे और साहिब इख्तियार भी। गुलाम जी ने सूरत हाल की नजाकत को महसूस करते हुए अर्ज किया, ख्वाजा इरशादे गिरामी सर आंखों पर, मगर आपके साहबजादे मुझे खिलाफत पर नहीं बैठने देंगे और हर लम्हा मुझसे दुश्मनी का इजहार करेंगे। मैं बहुत कमजोर इंसान हूं, इसलिए पीर मुर्शिद मुझे माफ फरमाए। जीरोत को पसोपेश में मुब्तिला देखकर बुजुर्ग ने फरमाया, तुझे इस सिलसिले में जरा भी खौफजदा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे बेटे तुझसे तकरार और फसाद करेंगे तो मैं उनके सर को रफा कर दूंगा। जब बुजुर्ग का इंतकाल हुआ तो उनकी वसीयत के मुताबिक जीरा को सज्जादा नशीन अता हुई। खिलाफत का ऐलान होते ही चारों लड़कों ने जीरत के खिलाफ दुश्मनी का आगाज कर दिया। फिर खानकाह में सैकड़ों मुरीदों के सामने जीरत की तहकीक करने लगे, यह बेहुनर शख्स वालिद मोहतरम का खलीफा किस तरह हो सकता है? यह तो हमारा गुलाम है और एक गुलाम की क्या मजाल कि वह सजा दे पर बैठकर इस आला मनसब की तसल्ली करे। जीरत कुछ दिनों तक तो एक जादों का हकीर आम सलूक बर्दाश्त करता रहा, मगर जब उसे अपनी जान का खतरा लहक हुआ तो पीर मुर्शिद के मजार पर हाजिर होकर अर्ज करने लगा, ख्वाजा आपने इरशाद फरमाया था कि अगर मेरे लड़के तुझसे दुश्मनी करेंगे तो मैं उनके शर को रफा कर दूंगा। अब आप अपना वादा वफा कीजिए कि वह लोग मेरी जिंदगी के दरपा हैं। यह इल्तिजा करके जीरत खानकाह में वापस आ गया। अभी इसकी बात को चंद रोज भी ना गुजरे होंगे कि गजनी के नवाही इलाके पर कुफार के एक लश्कर ने चराई कर दी। शहर को दुश्मनों से बचाने के लिए गिर्द नवाह के लोग इस्लामी लश्कर में शामिल होने लगे। इन बुजुर्ग के चार लड़कों ने भी अपनी खिदमात पेश की और कुफार से जंग करते हुए शहीद हो गए। इस तरह किसी मजहब मत के बगैर शेख का मुकाम खिलाफत जी के लिए खाली हो गया। ये बुजुर्ग का फैज रूहानी था कि बेटों को शहादत नसीब हुई और गुलाम को सज्जादा नशीन। सुल्तान अलाउद्दीन की अकीदत और हास्य दीन की मुखालिफत से बेनियाज हजरत निजामुद्दीन औलिया मखलूक के खुदा की इस्लाह में मशगूल थे। एक रोज आपकी खानकाह में सैकड़ों तालिबानी हकीकत जमा थे। किसी दरवेश ने अर्ज किया, शेख तरके दुनिया क्या है? जवाब में हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, मेरे एक दोस्त ख्वाजा महमूद हैं। वह एक दिन रास्ते में जा रहे थे कि उन्होंने एक दरवेश को देखा जो अपने फक्कर के 22 फाकाक्षी में मुब्तिला था, अक्सर औकात भूखा रहने की। 22 उसका पेट कमर से जा लगा था। ख्वाजा महमूद ने दरवेश की यह हालत देखकर उसे एक तांबे का सिक्का देना चाहा। दरवेश ने ख्वाजा महमूद से कहा, आज मैंने कटहल जी भरकर खाया है और रोजे की तरफ से आज के लिए इस तरह न हासिल कर लिया है, इसलिए ख्वाजा मुझे इस सिक्के की हाजत नहीं, किसी जरूरतमंद को दे दो। यह वाकया सुनाने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, यह है सब्र और यह है कनात, और इसी सब्र कनात को तर्क दुनिया कहते हैं। फिर हजरत महबूब इलाही ने हाजिरी ने मजलिस को एक और वाकया सुनाते हुए फरमाया, एक बुजुर्ग शेख अली थे। एक दिन वह अपने घर में दोनों पांव फैलाए हरके की बखिया गिरी कर रहे थे। इसी हालत में खलीफा का हाजी दाखिल हुआ और ख्याली से कहने लगा, खलीफा आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ ला रहे हैं। शेख अली के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, वह इसी तरह पांव फैलाए खरका सीते रहे। हाजी ने कई बार खलीफा की आमद की सलाह दी, मगर शेख ख्याली ने नजर उठाकर भी नहीं देखा और अपने काम में मसरूफ रहे। यहां तक कि खलीफा घर में दाखिल हुआ और सलाम करके बैठ गया। शेख अली ने खलीफा के सलाम का जवाब दिया और हाकिम वक्त को सवालिया नजरों से देखने लगे। हाजी ने कई बार कहा कि शेख आप खलीफा के एहतराम में अपने पांव समेट लें, मगर शेख अली ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे आपने उसकी बात सुनी ही ना हो। खलीफा ने कई मसाइल दरियाफ्त किए। क्या ख्याली ने पूरी तफसील से और खुश दिल्ली के साथ जवाब दिए, मगर अपने बैठने का अंदाज तब्दील नहीं किया। फिर जब खलीफा वापस जाने लगा तो शेख अली ने
एक हाथ से खलीफा का हाथ और दूसरे हाथ से हाजी का हाथ पकड़ा और खड़े हो गए। फिर निहायत पुर जलाल लहजे में फरमाया, जो शख्स अपने दोनों हाथ सुखेरा लेता है उसके लिए जायज है कि वह अपने दोनों पांव फैला दे। शेख अली की गुफ्तगू का अर्थ यह था कि उन्हें खलीफा के वक्त से कोई दावा नहीं, इसलिए एहतराम खड़े नहीं हुए। जब कोई शख्स किसी हाकिम के सामने दस्ती तलब दराज करता है तो वह अपने पांव समेटने पर मजबूर हो जाता है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले।